जो प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने थोड़ी देर का जो ऊपर उसको देखा है, इसके चालू होने के बाद इस केंद्र से विद्यालय छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को उनकी उपस्थिति है रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं अभिभावकगण हैं उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में आज के दिन अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन स्थिति उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको भी इस के अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा, तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है, आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और उसको ध्यान में रखते हुए 5G के इस युग में पीएम श्री स्कूल आधुनिक शिक्षा के आने वाले समय में सबसे सशक्त माध्यम बनने वाले हैं। आज जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार का वातावरण बनेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 15 से 18 लाख रुपए की धनराशि शोध हेतु अनुदान के रूप में उनके प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी, जो इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है, जिसके तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसा अभी हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि इससे पहले हम विद्यालयी शिक्षा में भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी हम उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। निश्चित रूप से इससे हमारे नौनिहालों को आने वाले समय में उनके विकास में, उनके कैरियर डेवलपमेंट में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, बहुत सारी चीजों में उनका प्रोत्साहन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा ये निरंतर प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। और विशेष कर से हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर हमारे लिए सबसे कोई महत्वपूर्ण विषय है वो तो वैसे तो पूरे देश दुनिया के लिए है, लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों निर्णय राज्य के स्तर पर लिए हैं।
और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए भी जो हमने निर्णय लिया है, वो निर्णय आज केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है कि अब अनेकों राज्य हमारे यहाँ का जो नकल अध्यादेश हमने लागू किया है उस नकल अध्यादेश को कहीं ना कहीं अपने यहाँ लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो जब हमने इसको लागू करने का निर्णय लिया था उस समय केवल हमारा एक उद्देश्य था कि इससे नकल रुकनी चाहिए। इसका कितना आउटकम आएगा ये उस समय उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं वो दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, और कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो चार चार पांच पांच परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। और पहले के समय में कई सारी परीक्षाओं में वो भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको पता है नंबर क्यों नहीं आता था? नंबर इसलिए नहीं आता था कि वो तो मेहनत करते थे लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं, और बहुत जल्दी उनका और भी बड़ा खुलासा होगा, आप सबके सामने वो पूरी तरह से बेनकाब होंगे जो इस नकल को अंजाम देने का काम करते थे और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे। भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के अंदर छात्र छात्राओं के अंदर एक उनका विश्वास लौटा है, उनके अंदर आत्मविश्वास बना है कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, अपनी पढ़ाई लगन से करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं नंबर आएगा। और नंबर आ रहा है, इसका एक बड़ा नकल अध्यादेश का एक बड़ा जो रिजल्ट आया है वो यह भी आया है कि 5.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले लिया है और लगातार भाग ले रहे हैं। और हमने यह भी तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उस कड़ी में उत्तराखंड के अंदर भी हमने जितने हमारे विभाग हैं सारे विभागों को उनके जो पद रिक्त हैं उन पदों के रिक्ति के अध्यतन मंगवाए हैं, लोक सेवा आयोग को या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लगातार हम भेज रहे हैं और कैलेंडर के अनुरूप उनकी भर्तियों को सुनिश्चित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी को, जितने भी हमारे यहाँ पर पद खाली हैं उन सभी पर हम भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करें, जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें। मैं आज के अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ आज राज्य में बालिकाओं के लिए जो 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास जो हमारे यहाँ चल रहे हैं वह भी हमारा एक अभियान है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो आज विद्यालय शिक्षा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या अनुसंधान का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में भी वो किसी प्रकार से पीछे न रहे। आज मातृशक्ति का सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा दोनों हमारी प्राथमिकता है, हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर और हमको बहुत सारी आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं देने पर, पीएम श्री की योजना देने पर, विद्या समीक्षा केंद्र देने पर, और जो हमारे राज्य की शोध की और छात्रवृत्ति प्रोत्साहन की जो योजना प्रारंभ की है उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका पुनः एक बार यहाँ आगमन कर ले, क्योंकि बड़ी गर्मी है लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी मैं देख रहा हूँ कि जितना हम लोग आते समय लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया, जितने लोग तब बैठे हुए थे उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। इसलिए आपकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।